everyone, and welcome to another episode of Insightful Leaders. So today we have with us Dr. Shailendra Kumar Sharma, who is the Vice Chancellor of Mandsaur University. His educational qualification includes MSc in Electronics and PhD. Sir is also a gold medalist. He has an experience of more than 17 years and has published several research papers both in national and international journals. Sir, greetings from College Duniya. Thank you. So you have been in this industry for over 17 years. So tell us about your experience in the education industry. What makes it the best industry to work in? Actually, I always believe that if you really want to contribute in nation building, then this is possible through being in education sector. So this was the first point that I want to make. And secondly, when you remain in this education sector, then you are always in between the young, dynamic and aspiring students. They are full of new ideas. They have a lot of energy. They have their enthusiasm. So they brings the positive attitude in yourself also. So these were the two basic reasons that I chose to be in this industry. Okay. So आप इस industry में पिछले 17 सालों से हो, तो इन 17 सालों में कोई challenges जो आपने face किए हो being the VC of Mandsaur University? देखिए, I joined Mandsaur University 12 years back और gradually I reached to this position. लेकिन मैं यहाँ के Mandsaur के जो students हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा मुझे लगता है जो challenge मुझे face हुआ वो ये है कि Mandsaur एक सेमी अर्बन एरिया है तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नए एवेन्यूज के बारे में बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं है और थोड़ी सी उनकी कंजर्वेटिव अप्रोच होती है इन टर्म्स ऑफ कोर्स सेलेक्शन. सो व्हाट दे बेसिकली प्रेफर कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनके अंदर जाया जाए तो ये एक थोड़ी सी मुझे चैलेंज लगता है कि नए एवेन्यूज को इतना एक्सप्लोर नहीं हो पाता एक चीज. दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज या कहिए एक बड़ा चैलेंज जो मुझे फील होता है वो ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स में होम सिकनेस काफ़ी है और पेरेंट्स भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा काउंटर नहीं कर पाते हैं. स्टूडेंट्स मेहनती हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन होता है उनका, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो थोड़े से वो होम सिकनेस फील करने लगते हैं और पेरेंट्स भी थोड़ा सा उनको शायद उतना पुश नहीं कर पाते. तो ये एक चैलेंज है जो यहाँ पे Mandsaur में रहते हुए मुझे लगता है कि इसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है एंड वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर इट. ओके, एंड कॉलेज दुनिया इज विद यू सर. सो जैसे आपने बताया कि Mandsaur यूनिवर्सिटी एक सेमी अर्बन एरिया है, राइट? सो आप वहाँ के करिकुलम के बारे में बताओ. Mandsaur यूनिवर्सिटी का करिकुलम क्या है? बिकॉज दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लाइक टू हियर अबाउट. यहाँ पे हमने एक बहुत मेजर चेंज किया है. व्हाट आवर टैगलाइन इज मेकिंग फ्यूचर रेडी. तो हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली बहुत ही कहिए कि स्किल से स्किल सेट उनको देना चाहते हैं. तो व्हाट वी हैव डन इज दिस कि वी हैव फाइंड आउट द गैप्स बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एकेडमी. हमने इंडस्ट्री एकेडमिया के गैप को देखा और फिर हमने कोशिश की कि इंडस्ट्री को एकेडमिया में लाया जाए. तो हमने कई सारी कंपनीज के साथ में जो रिनाउंड कंपनीज हैं उनके साथ में एकेडमिक टाइप्स किए, उनके साथ में ट्रेनिंग टाइप्स किए और हमने कई कंपनी जैसे सिस्को, ओरेकल, IBM हो गया, MCX हो गया आपके मैनेजमेंट फील्ड में, सनरा ऑर्गेनिक्स, ग्रामोफोन हो गया एग्रीकल्चर फील्ड में, सेंटर फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च हो गया आपके लाइफ साइंसेस फील्ड में, JBM, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज के रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट किया, उनके रिक्वायरमेंट्स को, उनके जो स्किल सेट या उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एकेडमिक्स में उनको हमने अपने कोर्सेज के अंदर इनकलकेट किया और इस तरीके से हमने एक इंडस्ट्री रेडी करिकुलम डेवलप किया है. और इंजीनियरिंग में हम ओकिनावा के साथ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, पैनासोनिक के साथ करीब करीब फाइनल. हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए एडजंक्ट लेक्चर्स जो एकेडमिक्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनके साथ हमने एकेडमिक लेक्चर्स स्टूडेंट्स को करवाए ताकि उनके एकेडमिक जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ का उनको एक्सपोजर मिले.
जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, देवर कॉल्ड इन द मंदसौर यूनिवर्सिटी और उन्होंने हैंड्स ऑफ वर्कशॉप डिलीवर किया है इन स्टूडेंट्स को, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इनकी बहुत अच्छे से हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने करीब करीब हमारे सारे कोर्सेज में हमने इंटर्नशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, बहुत वेटेज दिया है। तो स्टूडेंट जब इन इंटर्नशिप के थ्रू बड़ी इंडस्ट्रीज में जाता है तो वहाँ के एनवायरनमेंट को देखता है, उनसे बिल्कुल एक कहिए कि कंफर्टेबल होता है, वो देख के आता है, उसको एक्सपोजर मिलता है, वर्किंग स्टाइल क्या है वगैरह। तो इस तरीके से हमने कई इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई, हमारे स्टूडेंट्स जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में गए, हमारे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स रेडिसन ब्लू में गए, कॉक्स एंड किंग्स में गए, थॉमस कुक में गए, लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स को सी एस आर आई आर लैब में भेजा, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को आयशा गुरलू के लैब्स में भेजा। इस तरीके से इंटर्नशिप के ऊपर हमने काफ़ी अच्छा फोकस किया। ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने किए और इन सब की कोशिश ये जब की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मंदसौर यूनिवर्सिटी को अभी रिसेंटली सी एस आर की तरफ से बेस्ट प्लेसमेंट अवार्ड मिला है और अच्छा प्लेसमेंट रहा है स्टूडेंट्स का। हाईएस्ट पैकेज करीब 12.4 लाख के आसपास पैकेज रहे हैं, 21-22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 लाख से ऊपर का पैकेज मिला है। तो ये कोशिश ये रही कि जब इंडस्ट्री एकेडमिया में आई उनके और ट्रेनिंग हुई तो उससे हमें शायद ये रिकॉग्निशन मिला है और स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस है। Okay, so many congratulations for the award and all the initiatives which the Mandsaur University is undertaking. पिछले 17 सालों में आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे एंड एक्सपीरियंस किया होगा, तो प्लीज टेल अस अबाउट व्हाट यू हैव नोटिस्ड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब अबाउट चेंजेस व्हिच यू हैव नोटिस्ड? ओके, स्टूडेंट्स में एक शिफ्ट जरूर मैंने नोटिस किया है कि जैसे जैसे आप कहिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, नए एवेन्यूज से स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल रहा है, अब उनमें एक विल आई है कि हम अपने पैशन को फॉलो करें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो स्टूडेंट अभी समझ में लगा है कि पैशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एंजॉयमेंट, पैशन के थ्रू उसको कैरियर में बहुत अच्छी हाइट्स मिल सकती हैं, जो वो शायद जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे उसके शायद उसमें मजबूरी में आकर के ना ले पाए, लेकिन अगर वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है और उसको इंडस्ट्री वेलकम कर रही है अगर आपके पास में वो स्किल्स हैं। दूसरा, बच्चा अब बाउंड्रीज में या साइलोज में नहीं फंसना चाह रहा, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, इज नॉट विलिंग टू गेट ट्रैप्ड इन द साइलोज। तो जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच स्टूडेंट्स में आई है उसके प्रति उनका लगाव बढ़ा है बहुत ज़्यादा। पहले एक टीचिंग सेंट्रिक एक पैडागोगी हुआ करती थी, वो अब शिफ्ट होकर के लर्निंग सेंट्रिक पैडागोगी हो गई। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मेरा पैशन ही है, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा पैशन ही है, उसके लिए ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है और अब मुझे क्या मिल सकता है। तो यूनिवर्सिटीज की अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो एनवायरमेंट दिया जाए और उनके अकॉर्डिंग उनको स्किल सेट्स दिए जाए। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। स्टूडेंट पहले सर्विस ओरिएंटेड रहता था कि पे करके एजुकेशन लेकर के और जॉब में चला गया, अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ में लगा है कि इंडिया से जब नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, इंडिया के कई बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस की धाक जमा रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर के स्टूडेंट्स अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्ट में शिफ्ट है और सब यूनिवर्सिटीज की अब ये ड्यूटी है कि हमें उनको वो प्लेटफॉर्म देना है। अब आपने बात की कि स्किल्स रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हाँ, प्लेसमेंट के लिए कुछ स्किल सेट्स अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एटीट्यूड, कि अगर उनमें एक जज्बा होना चाहिए कि हम जाएँ इंडस्ट्री में और अपने आप को प्रूव करें, वहाँ के चैलेंजेस हैं उनसे लड़ें, उनको ओवरकम करें। एडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो आपको अपने उसके हिसाब से एडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी हो गया। एनालिटिकल ब्रेन होना बहुत ज़रूरी हो गया, तो उसको उसके हिसाब से आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है ही, पर इनोवेशन बहुत ज़्यादा आज की तारीख में ज़रूरी है। इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो आपके पास सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा शिफ्ट है और ये इन पॉइंट्स के तरफ मिलता है। डेफिनेटली सर, वंडरफुली आंसर्ड सर।
So what goals do you have in your mind for your institute over the next few years? Koi goal aap jo leke chal rahe ho? First of all, I wish ki the credibility of Mandsaur University should be well established. तो लोगों का फेथ हो कि अगर हम, क्योंकि स्टूडेंट ट्वेल्थ करने के बाद में आपको चार साल पूरे एक तरीके से आपको दे रहा है, वो ये आपको अपने आप को सब्जेक्ट कर रहा है कि भाई आप जो भी मेरे साथ कर सकते हैं मेरे स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मैं उस डायरेक्शन में चला जाऊँगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना कि स्टूडेंट ने आपके ऊपर फेथ किया है, तो उस फेथ और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना पहली रिक्वायरमेंट है और हमारा इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है। दूसरा, कोर्सेज की क्रेडिबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश हो, उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने किया है कि जनरली मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में हमने जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी है उनके हिसाब से हमने अपने कोर्सेज को रन करना शुरू किया। जैसे फार्मेसी है तो PCI के थ्रू हम रन करते हैं। इस तरीके से जो भी कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी है, आयकर है एग्रीकल्चर के लिए, तो उन रेगुलेटरी बॉडीज के अकॉर्डिंग हमारे कोर्सेज रन होते हैं ताकि कोर्सेज की डिग्री को लेकर के कभी कोई बच्चा जाए तो उसके ऊपर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं हो। दूसरी चीज, हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छी जॉब मिले। और मैं आपको फिर शेयर करना चाहूँगा कि इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट में हमें CSIR की तरफ से बेस्ट प्लेसमेंट अवार्ड मिला है, तो यही रीज़न रहा है कि हमने इस इंडेक्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस है कि स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, नॉलेज क्रिएशन इस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये बहुत प्राइम हमारा फोकस है। और रिसर्च की तरफ हम हाई एंड रिसर्च की तरफ हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने करीब 40+ बुक्स लिखी हैं अपार्ट फ्रॉम वेरियस रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ रिव्यू। तो इस तरीके से मेरी इच्छा है कि यूनिवर्सिटी इस तरफ मूव करे। और एक लास्ट की, मैं चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी में वैरायटी ऑफ कोर्सेज हो, यानी कि किसी स्टूडेंट की इमेजिनेशन से वो अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यू शुड हैव कोर्सेज ऑफ आर्ट्स, कल्चर, सोशल साइंसेज, स्पिरिचुअल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, इस तरीके के कोर्सेज भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वी आर रनिंग कोर्सेज इन फैशन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, BA, BBA, ये तो सब हैं, लाइफ साइंसेज, ये सब कोर्सेज उनकी एक बहुत ही एक बड़ा बुके हो जहाँ पर स्टूडेंट जो चाहे वो उस कोर्स की तरफ मूव करे और हम उसको देख पाए। ग्रेट थॉट सर। सो नाउ व्हाट इज मंदसौर यूनिवर्सिटीज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? Yes, Mandsaur University's greatest strength ki we have been able to, you can say, fortify the aspirations of the students. Humne students ki aspirations ko jagaya hai. Choti bahut badi jagah nahi hai, jaisa maine aapko bataya semi urban area hai. एक सोसाइटी का एक माइंडसेट था, लेकिन अब स्टूडेंट जब मंदसौर यूनिवर्सिटी में आता है तो मैं आपको कई एग्जांपल बताऊंगा। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स मंदसौर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा लेने के लिए एंटर किए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीटेक के स्टूडेंट्स को इतने अच्छे प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं और उनको चांस मिल रहा है अपनी लाइफ को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लिए, BSc के स्टूडेंट्स ने MSc में एडमिशन्स लिए। इस तरीके से एक एस्पिरेशन जनरेशन जो है वो मंदसौर यूनिवर्सिटी की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है कि बच्चा आकर के जो वो सोच के आता है उससे बहुत बड़ा उसको दिखता है और विजन बहुत बड़ा होता है, उसको रास्ता दिखने लगता है कि अगर मैंने थोड़ी मेहनत की, यूनिवर्सिटी जिस तरीके से कोशिश कर रही है उसके साथ अगर मैं मूव करता चला गया तो मैं जो सोच के आया था उससे बहुत बड़ा शायद मुझे मिल सकता है। और जब वो इस चीज़ को अपनी फैमिली में डिस्कस करता है या अपने सीनियर्स के बारे में अपनी फैमिली को बताता है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में फैमिली को बताता है, तो शायद फैमिली भी उस चीज़ को समझती है और उसको हेल्प कर देती है। तो मुझे लगता है कि मंदसौर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमने स्टूडेंट्स के एस्पिरेशंस को बहुत जगाया। ओके,
सो कोई सजेशंस आप देना चाहेंगे आज के यूथ्स को, यंगस्टर्स को, जितने भी आपको सुन रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आया था, मेरा हमेशा बिलीव रहा है कि अगर आप उस नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यू बी इन दी एजुकेशन सेक्टर। मैं अपने स्टूडेंट से ये कहूँगा कि आपका गोल होना चाहिए कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे वो स्किल सेट एक्वायर करने हैं जिसको लेकर के और मैं कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूँ टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो ये एस्पिरेशन भी होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि इसके लिए ड्रीम बिग, वर्क वेरी हार्ड एंड गो एंड गेट इट। वन नंबर टू, एक मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को ये सोचिए कि ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है ना। तो ग्लोबल सिटीजन बनने की कोशिश करें, बड़ा सोचने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा नहीं है, इंडियन कल्चर के साथ लेते हुए अगर हम ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ मूव करने लगेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और वो इसलिए अच्छा होगा क्योंकि इंडियन कल्चर में डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर उसमें रूटेड रह करके और फिर अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करेंगे और ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ मूव करेंगे तो आप एक डाइवर्स सिटी को रेस्पेक्ट करने वाले बनेंगे और मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स इस तरफ मूव करें। That was a wonderful thought, sir. Thank you so much for giving us your valuable time. Thank you. Thank you. So nice to have good interaction with you. Thank you, sir.